नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बॉलीवुड एक्टर सलमान खान इन दिनों अपनी फिल्म राधे को लेकर चर्चाओं में बने हुए, जो कि हाल ही में ईद के मौके पर ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर रिलीज की गई थी। इस फिल्म को क्रिटिक्स और फैंस की तरफ से कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था। वहीं बॉलीवुड एक्टर और क्रिटिक कमाल आर खान ने भी सलमान की फिल्म राधे की जमकर आलोचना की थी, जिसके बाद सलमान ने उनका नाम खराब करने के चलते KRK पर मानहानि का केस दर्ज कर दिया था। फिर क्या, उसके बाद KRK ने सलमान के पिता सलीम खान से रिक्वेस्ट की वो सलमान को मना करें कि केस को आगे ना बढ़ाए। लेकिन लगता है कि सलमान खान का गुस्सा इतनी आसानी से शांत नहीं होने वाला, क्योंकि वो KRK की बात मानने को राजी नहीं। इसी बीच सलमान के पिता और मशहूर राइटर सलीम खान ने बेटे की फिल्म राधे पर अपना रिव्यू दिया और कहा है कि राधे कोई बेहतरीन फिल्म नहीं। एक लीडिंग वेबसाइट को दिए गए इंटरव्यू में सलीम खान ने कहा कि ये फिल्म दबंग 3 से काफी अलग है। बजरंगी भाईजान अच्छी थी और बिल्कुल अलग थी। राधे कोई बेहतरीन फिल्म नहीं है, लेकिन कमर्शियल सिनेमा की जिम्मेदारी होती है कि सभी को पैसे मिल सके। आर्टिस्ट से लेकर प्रोड्यूसर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और हर स्टेक होल्डर को पैसे चाहिए होते हैं। इस तरह से सिनेमा का साइकिल चलता है और ये बिजनेस चलते ही जाना चाहिए। सभी को पैसे कमाने होते हैं। इस तौर पर सलमान खान ने परफॉर्म किया। इस फिल्म के स्टेक होल्डर्स को फायदा हुआ है, नहीं तो राधे अच्छी फिल्म नहीं। सलीम खान ने कहा कि अभी फिल्म इंडस्ट्री की जो बड़ी दिक्कत है वो ये है कि यहाँ अच्छे राइटर्स नहीं। इसकी वजह यह है कि राइटर्स हिंदी और उर्दू साहित्य नहीं पढ़ते। वो बाहर से किसी चीज़ को देखते हैं और उसे ही मानते हैं। भारतीय सिनेमा के लिए फिल्म जंजीर गेम चेंजर थी। उसके बाद से इंडस्ट्री को सलीम जावेद का रिप्लेसमेंट नहीं मिला। अब ऐसी सिचुएशन में सलमान खान भी क्या करें। बता दें कि राधे यो मोस्ट वांटेड भाई को प्रभु देवा ने डायरेक्ट किया, जो कि इससे पहले सलमान के साथ दबंग 3 और वांटेड जैसी फिल्में बना चुके। राधे 13 मई को ही थिएटर्स और ओटीटी प्लेटफॉर्म Z5 पर एक साथ रिलीज हुई थी। फिल्म ने पहले दिन ओटीटी पर सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ डाले थे। फिल्म में सलमान के साथ दिशा पाटनी, जैकी श्रॉफ, रणदीप हुडा जैसे स्टार्स नजर आए थे। वैसे सलीम खान के इस बयान पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ।